यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। एक बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां वो पार्टी हाईकमान के साथ कई मंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। जिस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है दिल्ली दौरा, ऐसे वक्त में जब उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव होना है, ऐसे में इस दिल्ली दौरा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बेहद अहम। इसके साथ साथ अनलॉक है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उत्तराखंड की, इसी मद्देनजर इसी के बीच में दिल्ली का दौरा और राज्यसभा चुनाव और कैबिनेट विस्तार पर बताया जा रहा है कि चर्चा हो सकती है। दोपहर 3:30 बजे वो देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हमारे संवाददाता विनोद कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, 3:30 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेंगे, किन किन से मुलाकात करने का कार्यक्रम है और किस सिलसिले में दिल्ली पहुंच रहे हैं इस बार मुख्यमंत्री? राजीव, देखिए ये और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का महत्वपूर्ण दिल्ली दौरा है और कोरोना संकट काल के दौरान तमाम दौरे मुख्यमंत्री के प्रभावित रहे हैं, लेकिन अब कई महीने के बाद में अब दिल्ली दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा है इसको कहा जा सकता है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि लगातार कोरोना संकट काल चल रहा है, तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 बजे देहरादून से रवाना होंगे और ठीक उसके बाद में वो अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर का उन्होंने जिक्र जरूर किया है कि वो उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन उनके दौरे को दूसरे कयासों से जोड़कर देखा जा रहा है। जैसे ये माना जा रहा था कि दिवाली के दौरान जो त्रिवेंद्र सरकार में 3 पद खाली हैं उनको भर दिया जाएगा, यानी 3 विधायकों को मंत्री बना दिया जाएगा, उनकी दिवाली ठीक हो सकती है, तो कैबिनेट विस्तार पर यहाँ पर चर्चा हो सकती है केंद्रीय आला कमान से। और ऐसे में अब राज्यसभा का चुनाव होना है, पार्टी प्रत्याशी कौन होगा, तो तमाम ऐसे भी चर्चा हो सकती है। इन कयासों से इस दौरे को देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, तो इन महत्वपूर्ण मसलों को भी लेकर आज वो दिल्ली पहुंचेंगे। कई ऐसे राज्य के अलग अलग विषय हैं जिनको वो केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखेंगे, चर्चा करेंगे, तो ऐसे में 2 बजे के बाद से वो यहाँ से रवाना होंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। और दिल्ली के बाद में कहीं ऐसे, ये भी मैं आपको बता दूं, कहीं ऐसे राज्य के यानी भाजपा के कई ऐसे विधायक हैं जो कल से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, और ऐसे में अब नाम जो होगा प्रत्याशी का राज्यसभा चुनाव के लिए उनका भी नाम के लिए भी चर्चा की जाएगी, और ऐसे में कैबिनेट विस्तार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उनको लेकर आज चर्चा हो सकती है। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली का दौरा, किन किन नेताओं से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ चर्चाएं होंगी, इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां होंगी सबसे पहले आपको एबीपी गंगा पर मिलेंगे।